नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आई नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। काशी में रंग भरे एकादशी पर हुई बारिश की बूंदों की फुहार। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर रिटायर्ड शिक्षिका से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। ये थी अब तक की बड़ी खबर, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले रुख करते हैं आज के तमाम सुर्खियों पर। नवरोज मुबारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारसी नववर्ष के मौके पर देशवासियों को दी बधाई। लोकसभा चुनाव के चलते यूपीएससी ने स्थगित की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। राखी सावंत की बढ़ी मुश्किलें। समीर वानखेड़े ने ठोका 11 लाख का मानहानि का मुकदमा। आईपीएल से पहले मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका, फिटनेस टेस्ट में फेल हुए सूर्यकुमार यादव। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में शख्स ने बर्फ से बनाया ताजमहल। सिंधु मूसेवाला के पिता का आरोप, बच्चे को लेकर बेवजह पूछे जा रहे सवाल। कार हादसे के बाद ऋषभ पंत की धांसू वापसी। आईपीएल 2024 में फिर करेंगे दिल्ली की कप्तानी। भूल तो नहीं गए हमें, कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी ने दिखाई मिर्जापुर 3 की पहली झलक। वाराणसी में झूम कर बरसे बादल, मौसम ने ली करवट। बुधवार की सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। दिन चढ़ने के साथ ही 10 बजे झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस दौरान शहर में ओले भी पड़े। काशी में रंग भरी एकादशी पर बुधवार की सुबह अचानक मौसम ने करवट बदल ली। भोर में बूंदाबांदी होने के बाद सुबह काले बादल छाए रहे। थोड़ी ही देर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। गरज चमक के साथ झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। बारिश के साथ कई जगह ओले भी पड़े। तेज हवाओं के चलते सिरहन महसूस होने लगा। रिटायर्ड शिक्षिका से 3,55,00,000 की ठगी करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर रिटायर्ड शिक्षिका से 3,55,00,000 की ठगी करने वाले 6 लोग गिरफ्तार हुए। 13,63,000 रुपए नगद बरामद हुए। विभिन्न बैंक खातों में 65,00,000 सीज। डीसीपी क्राइम चंद्रकांत मीना, एडीसीपी वरुणा टी सरवन ने आरोपियों को पुलिस लाइन में मीडिया के सामने पेश किया। 8 मार्च को थाना सिकरा के रहने वाली है शंपा रक्षित, जो साइड डॉस में टीचर रही थी। उनके द्वारा साइबर थाना पे शिकायत की गई कि उनके 2 खातों से 3,55,00,000 की साइबर ठगी हुई है, जिसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। एडिशनल डीसीपी सरवन टी और इनके अंडर में साइबर थाने की जो टीम है, उन्होंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है। इसमें 6 लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। इनका काम पुलिसकर्मी या ट्राई का, इस वाली घटना में ट्राई का उन्होंने अपने आप को बताया था कि ये ट्राई के अधिकारी हैं, और पीड़िता को कहा था कि खिलाफ अरेस्ट वारंट है। ये जो है ब्लैक, उसमें मनी के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इनको डरा धमका के इनको स्काइप पे लिया गया, डाउनलोड करवाया गया, उनकी एफडी तुड़वाई गई और वो अलग अलग खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया। तो ये वर्कआउट हुआ है। इसमें 13,63,000 रुपये अब तक बरामद हुए 6 अभियुक्तों से, और 65,00,000 हमने जो है अलग-अलग खातों में फ्रीज करवाया। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी एक्सपर्ट न्यूज। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।